सुजानगढ़ के गांधी आश्रम में गरीब तबके की बालिकाओं को 3 विषयों के लिए निशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गोरी ने फीता काटकर गांधी कोचिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने आयोजित के पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है, इसलिए कक्षा 8 व 10 की जरूरतमंद बालिकाओं के लिए यह पहल की गई है और विज्ञान गणित अंग्रेजी का अध्ययन यहाँ करवाया जाएगा। मांडेता आश्रम के महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि सुजानगढ़ में इस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता थी और हमारे मुख्यमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी ऐसी गतिविधियों से बल मिलता है। महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि शिक्षा हासिल करना आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ उच्च कोटि के संस्कारों का विकास होना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों को भी अपने बच्चों में संस्कार विकसित करने की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि बेटियों के पढ़ने से 2 घर संवरते हैं, इसलिए बालिका शिक्षा की ओर किया गया यह प्रकल्प सराहनीय है। इस अवसर पर राधेश्याम अग्रवाल, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, हंसराज सोनी, डॉक्टर एस के छाबड़ा, हुकुमाराम चौधरी, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र केलका, प्रदीप तोदी, एडवोकेट निरंजन सोनी, बजरंग सेन, सरोज पूनिया वीर आदि ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में रामेश्वरी देवी, श्रीनिवास करवा, पार्षद मुकुल मिश्रा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत टीकम चंद मंडा, भूमाराम बिजानिया, पार्षद बिलाल भुरान, पार्षद निर्मला तोदी, कैलाश सरोलिया, श्रवण सरोलिया, अनाराम सोनी, मंजू देवी, सुनीता देवी, सरोज सोनी आदि लोगों ने किया। संचालन भारती सरोलिया शिक्षक ने किया। सुभाष जी बेदी जिन्होंने गांधी कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है सुजानगढ़ में, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि यहाँ निःशुल्क बच्चों को बालिकाओं को कोचिंग दी जाएगी, 8वीं 10वीं क्लास की जो बच्चियाँ हैं घर, और एक ऐसी जगह उपलब्ध कराई है कि जहाँ विभाग अपने बच्चियों को भेज सकते हैं कि वहाँ उनको ये चिंता नहीं है कि जाएंगे तो खर्चा कौन देगा, कैसे आने जाने की व्यवस्था होगी, कैसे फीस को क्या के पूर्ण रूप से निशुल्क यहाँ व्यवस्था की है, अच्छे टीचर उपलब्ध कराएं और साथ ही अच्छा एक वातावरण गांधी आश्रम जहाँ ये खोला है, क्योंकि गांधी जी का आश्रम आप जानते हो कि वैसे भी एक शांति का जगह होती है, एक पीसफुल जगह है, बड़ी जगह है, अच्छा खुला वातावरण है, हवादार जगह है, और एक अच्छी जगह पर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना और निःशुल्क उपलब्ध करना शहर के लिए बहुत बढ़िया काम माननीय सुभाष द्विवेदी जिन्होंने किया है। आज गांधी कोचिंग एकेडमी का शुभारंभ हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के द्वारा किया गया है, जिन्होंने गांधी कोचिंग एकेडमी के जो अध्यक्ष सुभाष द्विवेदी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सुजानगढ़ में जो बच्चियाँ प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती उनके लिए निःशुल्क क्लासेस यहाँ चलाई जाएगी, ताकि वो पढ़ लिख कर हमारे सुजानगढ़ का नाम रोशन कर सके। और समाज का उत्थान जब भी होता है, जब शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और जब बालिकाएं पढ़ती हैं तो ऑफ कोर्स 2 परिवार का नाम रोशन करती हैं, और इन्होंने बालिकाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ के सदर थाना अंतर्गत गांव लिखमणसर के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मृत्यु हो जाने के समाचार मिले हैं। सदर थाना अधिकारी मनोज कुमार मुंड ने बताया कि बाइक व एक अन्य वाहन की टक्कर हो जाने की जानकारी मिली है। 2 घायल युवकों को ग्रामीणों द्वारा राजकीय कानूता अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित किया। दोनों युवकों को कानूता अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया गया है। मृतकों की पहचान होने के बाद तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को ही पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। सुजानगढ़ के श्री गौड़ विप्र सम्मेलन की ओर से शहर के गौड़ भवन में रविवार की शाम को प्रतिभा सम्मान व स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता गौड़ समाज के अध्यक्ष ब्रज मोहन सरोलिया ने की। वहीं मुख्य अतिथि रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि रे, समाज के शिक्षाविद पंचायत समिति BDO शिव कुमार शर्मा, लीलाधर शर्मा, डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच मौजूद रहे। वक्ताओं ने समाज के शिक्षा व खेल सहित अन्य क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले 50 से ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि प्रतिमाओं को सम्मान मिलने से उनमें आत्मविश्वास का संचार होता है, इससे समाज आगे बढ़ता है। कार्यक्रम में कैलाश सरोलिया, अशोक शर्मा, राजेश कोड, सुरेश इंदौरिया, पार्षद मुकुल मिश्रा, पुरुषोत्तम मिश्रा, विमल मिश्रा, रामनिवास इंदौरिया, पुरुषोत्तम शर्मा, सुरेश कौशिक, दिनेश गोड़, डॉक्टर अलका शर्मा, दीपक कौशिक, सिद्धार्थ लाठा, प्रवीण शर्मा, नागेश कौशिक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी मौजूद रहे। संचालन प्रमाण मिश्रा ने किया। और समाज में एक अच्छा संदेश दें कि हमारा समाज भी आगे बढ़कर के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान करता है, यही
आज के इस समारोह की विशेषता है। बच्चों से उम्मीद करता हूं कि वे और अच्छा करेंगे और इन बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। पिछले 3-4 दिनों से सुजानगढ़ शहर व आसपास के क्षेत्र में कोहरा छाने से किसानों में खुशी की लहर है। किसान नेता कॉमरेड राम नारायण रोलानिया ने बताया कि 3-4 दिनों से लगातार खेतों पर बरसती धुंध आ रही है, जिससे अगर हमारे पूर्वजों की बात माने तो इस बार जब फसल बोई जाएगी तो काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। वहीं जो फसलें बोई हुई हैं उनको भी इससे जीवनदान मिलेगा। रोलानिया ने बताया कि 3 दिनों से लगातार बरसती हुई धुंध आने खेती के लिए काफ़ी अच्छा सुकून माना जाता है और इसलिए इस बार भी किसानों को काफ़ी अच्छी पैदावार तथा समय पर फसल के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद जगी है। दूसरी ओर कोहरे के कारण लोगों को हार्ड कंपा देने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। सुबह 9 बजे तक वाहन सड़कों पर हेडलाइट्स जलाकर चलते हुए देखे जा सकते हैं। लोग कई जगहों पर अलाव तापकर सर्दी दूर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये जो लगातार धुंध आ रही है, इससे हमारे बुजुर्ग किसानों का यह कहना था कि 3 दिन लगातार धुंध आने से अगले वर्ष का जमाना अच्छा होगा और किसान इसी बात का के जो बुजुर्गों का यह अनुमान था उसी के हिसाब से आज भी जो किसान वर्ग के हैं वो यही अनुमान लगाते हैं। और ये 3 दिन जो बरसती धुंध आई है, इससे ये साबित होता है कि जो 6 महीने बाद में बरसात का अनुमान होता है, जैसे कि जेठ के बाद में आषाढ़ के अंदर बरसात का अनुमान है, ये 3 दिन जो धुंध आई है इससे, और ये अच्छी धुंध आई है किसानों के लिए, जो अभी वर्तमान में फसल है उसमें भी अच्छा फायदा करेगी और आगे का जमाना भी अच्छा होगा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव मालासी में महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, सरपंच विश्वजीत कसवा, हिम्मत मालासी, दीनदयाल गुलेरिया, कुमारा मेघवाल, पूर्व सरपंच झूमर मंदैया सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट करते हुए महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अतिथियों ने कबड्डी प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोहरागाड़ा स्थित मानव सेवा संस्थान व प्रयास संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उन्हीं वस्त्रों का वितरण किया है। बीवीपी के जिला संयोजक राहुल सामरिया ने बताया कि स्टूडेंट फॉर सेवा प्रकल्प के तहत सर्दी के मौसम में 50 बच्चों को मोजे व टोपियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर एबीवीपी के नगर मंत्री प्रणामिका चौहान, विशाल सोनी, देवांश शर्मा, रमा शेखावत, कोमल सोनी, भाविका रेखा, दीपिका गुजर सहित अनेक लोग मौजूद रहे।